इंतकाल, इक्तदार की मुंतकली। नई पंजाब असेंबली का सफर, पंजाब असेंबली के नौ मुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल अरकान से हल्फ लेंगे। 16 अगस्त को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। नैब को ख्वाजा बरादरान से मुतालिक मजीद अहम सबूत मिल गए। जराए का कहना है कि आशाना इकबाल और एलडीए सिटी में ख्वाजा बरादरान की मुशावरत से ठेके दिए गए। नैब ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को आज तलब कर रखा है। इकबाल के ख्वाब की ताबीर का दिन, ग्रेटर इकबाल पार्क में बड़ा जश्न। फाउंटेन डांसिंग का शानदार नजारा, रोशनियों से अटकलियां करता नाचता गाता पानी देखकर शहरी खूब महसूस हुए। रेंजर्स के जवानों के बूटों की घन गरज, दुश्मन पर लर्जा तारी। आजादी के दिन वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार और पुरजोश तकरीब। फजा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। हर सू पाकिस्तानी परचमों की बहार, परेड देखने पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। वाघा बॉर्डर पर तकरीब में म्यूजिकल बैंड ने रंग जमा दिया। बरके रफ्तारी से बंदूकें घुमाने का शानदार मुजाहिरा। मिली नगमों पर खूबसूरत धुनों ने हाजरीन के लहू को मजीद गर्मा दिया। रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं सब तेरे लिए हैं। हजूरी बाग में बच्चों ने मिली नगमों से समा बांध दिया। किनेट गर्ल्स हाई स्कूल में रंगारंग तकरीब, बच्चों ने मिली नगमों पर परफॉर्म करके दिल जीत लिए। मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश करके वतन से इजहार मोहब्बत किया। मेरे वतन ये अकीदतें तुझ पे निसार कर दूं। पंजाब रेंजर्स के जेर एहतमाम जश्न आजादी की शानदार तकरीब। स्टेज अदाकार इफ्तखार ठाकुर, मोहम्मद राना और गुलकार वारिस बेग भी तकरीब में शरीक। फनपारों के जरिए तहरीके पाकिस्तान के कायदीन को खराज अकीदत पेश। अलहमरा में मुसव्वर मोहम्मद अजीम के फनपारों की नुमाइश, डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल असर नवीद हयात ने इफ्तिताह किया।